जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली वो मेरे कई छोटे भाई बार बार बोल रहे हैं कि सर CRPF NCM की जो वैकेंसी है इसका सिलेबस क्या है, तो साथ में बता दूँ चाहे CRPF NCM है, BSF NCM है, CISF NCM है, इन सभी की जो वैकेंसी आती है इसमें सिलेबस का जो क्या क्या पंगा रहता है उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और किस चीज़ की आप तैयारी करें ताकि आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों आपको पता है NCM की जो वैकेंसी आती है सभी डिपार्टमेंट में आती है और हर एक डिपार्टमेंट में ये जो वैकेंसी होती है इसमें जो पोस्टों का जो लेवल रहता है 1000, 1100, 1200 या 800 इस हिसाब से ही रहता है। CM की हमेशा पोस्ट इतनी रहती है, इससे ज़्यादा अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो इससे ज़्यादा नहीं रहती है इनकी वैकेंसी, कम ही वैकेंसी रहती है। तो दोस्तों इसके लिए अगर 12th पास, ये वैकेंसी आप सभी को पता है 12th पास वैकेंसी है, 50-50 क्वेश्चन इसमें 2-4 पार्ट आते हैं और 1-25 नंबर का पैसेज आता है लिखने को। 4 पार्ट में मैथ, रीजनिंग, GK GS रहता है और 1 रहता है इंग्लिश। इंग्लिश और हिंदी इसमें ऑप्शनल रहता है, आप हिंदी भी चॉइस कर सकते हो, ठीक है। कई बार अब जो नया पैटर्न आ रहा है उसमें आप हिंदी भी चॉइस कर सकते हो, पिछले पैटर्न का मुझे पता नहीं क्योंकि इसमें एक नया पैटर्न में एक चीज़ और नहीं जोड़ी है, वो है पैराग्राफ। पहले ये पैराग्राफ भी नहीं था, इस बार ये पैराग्राफ भी जोड़ा है। तो हिंदी, GK GS और रीजनिंग। अब इसके लिए स्पेशली आपको किसकी तैयारी करनी होनी चाहिए उसके बारे में देखो दोस्तों, इसमें जो मैथ का लेवल आता है 12th पास वैकेंसी है, जो मैथ का लेवल है इसमें 10th का अर्थमेटिक ज़्यादा मैथ आता है, हाँ एडवांस मैथ भी आता है लेकिन उसके क्वेश्चन कम रहते हैं, 10% के आसपास रहते हैं, यानी 50 क्वेश्चन में से 10-20% यानी 10 क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ के देखने को मिल सकते हैं, बाकी 35-40 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक मैथ होती है, 10th क्लास पास की जो मैथ होती है उसी के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें, साथ में थोड़ा बहुत एडवांस मैथ जैसे बीजगणित की भी तैयारी करें, बीजगणित के क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादा आते हैं और जो एडवांस मैथ है उसकी भी आप तैयारी करें ताकि उसके क्वेश्चन में इसमें वो 10-15 स्कोर है वो भी आप अच्छा कर सको। रीजनिंग आती है वो तो रीजनिंग का क्या लेवल बताएं आपको, रीजनिंग कैसी भी आ सकती है, ज़्यादातर आती है इसमें जो अर्थमेटिक रीजनिंग हो गई वो, उसके साथ में जो पैराग्राफ वाले आते हैं, जो लाइन वो वाले क्वेश्चन आते हैं, जो बड़ी बड़ी दो लाइन वाले जो पंक्तियों वाले वो ज़्यादा आते हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करिए। अच्छी बुक ले आए रीजनिंग की, और जैसे मैंने बताई भी थी किरण पब्लिकेशन की अच्छी रीजनिंग की बुक आती तो वो ला के आप तैयारी कर सकते हो, उससे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके अलावा रीजनिंग, मैथ और GK GS में कंप्यूटर का अच्छा आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर की आपको GK अच्छी पढ़नी चाहिए, इसके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और इस बार वैकेंसी में तो 100% कंप्यूटर क्वेश्चन आने लगेंगे क्योंकि इस बार SSG GD के वैकेंसी में भी कंप्यूटर ऐड कर दिया जाएगा, तो इसकी वैकेंसी में तो 100% इनके क्वेश्चनों में तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आने आने दोस्तों। तो कंप्यूटर आप अच्छे से पढ़े, कंप्यूटर की आपको एक अलग से बुक ले लेना छोटी गाइड, उसमें से अच्छे से पढ़े। अगर आप इसकी GK GS की तैयारी करो तो उसमें आपको कंप्यूटर का पार्ट भी देखने का मिलेगा। हिंदी है, हिंदी तो आप कोई सी भी अच्छी सी बुक ले लीजिए उससे हिंदी की तैयारी करिए तो वो आपको अच्छा रहेगा। अब जो पैराग्राफ का जो पंगा है उसमें कुछ नहीं है, आपको एक पैराग्राफ दिखाया जाएगा वो एज इट इज़ आपको लिखना रहता है, इसमें से कुछ क्वेश्चन भी लिखने रह सकते हैं और एज इट इज़ भी लिखना रह सकता है, वो इस बारे नया जुड़ा इसके बारे में अभी पूरी जानकारी स्पेशली तौर पर मैं नहीं बता पाऊँगा, जब पेपर होगा आपके सामने होगा तभी आपसे जुड़ी जानकारी मिलेगी, तो इसलिए लेकिन वो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा इसमें शक नहीं, वो पैराग्राफ है उसमें से आपको क्वेश्चन भी लिखना रह सकता है और एज इट इज़ पैराग्राफ भी लिखना, उसमें केवल आपकी हैंडराइटिंग चेक होगी, साथ में कि आप कितना एरर करते हो, कितनी गलतियां करते हो ये देखी जाएगी। अब आप चाहे CRPF की कर लो, NCM की, BSF की, ITBP, असम राइफल, इन किसी भी डिपार्टमेंट में आप वैकेंसी में अगर SCM की आप तैयारी करो तो इस प्रकार से आप पढ़ें, इन सब्जेक्ट को आप पढ़ें और इस प्रकार से अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। साथ में एक चीज़ और बता दो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में SCM का अगर भूत चढ़ रखा है, मुझे SCM बनना है यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मुझे सर्विस करनी है, तो टाइपिंग की हमेशा एवरीडे 1 घंटा कम से कम प्रैक्टिस करें, मोबाइल से भी कर सकते हो, वायरलेस टाइपिंग आता है, वायरलेस आता है तो वो कीबोर्ड ले आए उसमें एक डोंगल आता है, वो डोंगल मोबाइल में सेट हो जाता है और वो वायरलेस होता है, उसमें सेल लगते हैं और आप टाइपिंग करना शुरू कर दें आज ही से, तभी आप इसका स्किल टेस्ट पास कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे दोस्तों, तो आपकी मेहनत की हुई पेपर के लिए बेकार चली जाएगी। इसलिए स्किल टेस्ट इसका जो टाइपिंग का होता है उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होगी, इसलिए इसका आप विशेष ध्यान रखें। फिजिकल में इसमें कुछ खास है नहीं, आपका वेट चेक होता है, रनिंग वनिंग इसमें कुछ होती नहीं है, तो ये तो आपको फ़ायदा है, रनिंग वनिंग तो कुछ होती नहीं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल का मैंने बता दिया इसका इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इसलिए आप तैयारी कर दीजिए, ये सिलेबस है, इस प्रकार से पढ़िए। GK GS में आपको पता ही है इंटरनेशनल भी आता है लेकिन नेशनल ज़्यादा, इंटरनेशनल के 5-6 क्वेश्चन आते हैं, बाकी नेशनल ही रहता है GK GS, और कंप्यूटर के इस बार 10-12 क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं इसके पेपरों में, हर पेपरों में ऐड होंगे कंप्यूटर के, इसमें शक ही नहीं है क्योंकि डिजिटल इंडिया हो गया तो कंप्यूटर तो होना ही होना है। इसके अलावा
ये चीज़ें आप तैयारी कर लीजिए, और मैथ भी मैंने बता दिया 10th क्लास मैथ की आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, थोड़ा सा एडवांस मैथ भी इसमें, इसके लिए आप तैयारी ज़रूर करें दोस्तों, एडवांस मैथ के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। जय हिंद।